हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ये देखो, आज मैं लेकर आया हूँ फॉक्स केयर का फोम ब्लास्टर शैम्पू प्लस फॉक्स केयर का पॉलिश। ये देखो, और पॉलिश में कई सारा खासियत दिया हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक्चुअली ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो मुझे दोनों भी एक साथ में मिला, फुल एक पैकेज दोनों में मिला, ऐसा साथ में था, और दोनों का कीमत कुछ 240 रुपये कुछ था। मतलब ये शैम्पू भी मिलेगा प्लस ये पॉलिश भी मिलेगा, दोनों भी एक साथ मिलेगा। तो 240 रुपये में मुझे बहुत सही लगा, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। अब हम देखेंगे इसको अप्लाई करके भाई कितना परफॉर्मेंस है, एक किस तरह का फोमिंग होता है, और ये जो है ना किस तरह का पॉलिश काम करता है वो देखेंगे। तो पहले हम फोमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहले फोम स्प्रे करेंगे मस्त, कार पहले चकाचक क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम पॉलिश अप्लाई करके देखेंगे कि कितना इसमें कारगर है। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाक से मैं आपको जल्दी से पहले कार को अच्छे से पानी मार लेता हूँ, उसके बाद हम इसको फोम स्प्रे करेंगे इस शैम्पू का। तो मैं फिलहाल ये शैम्पू और जो पॉलिश है मैं अभी थोड़ा सा साइड रखता हूँ, पहले कार को अच्छे से पानी मार लेता हूँ। कार भी तो मुझे लगता है बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल काला काला पता नहीं डॉट डॉट कुछ बैठ गया बिल्कुल एकदम पेंट पे। ये अच्छे से पॉलिश करेंगे तो निकल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नज़दीक से, ऐसे पानी मारने से भी जो है ना ये जो गंदा है, पानी मारने से भी क्लीन नहीं हो रहा है, ऐसा अजीब सा गंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा। हाँ देखो, मैंने पानी मार दिया, ऊपर का डस्ट तो निकल गया, फिर भी जो है ना वो गंदा कुछ अजीब सा डॉट डॉट चिपका हुआ है, काला काला जो नहीं निकल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा नज़दीक ला के। ये देखो, ये पूरा काला काला डॉट 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 है, डॉटेड दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में। देखो, मैं आपको जब उंगली ऐसे करूँगा तो दिखेगा। देखो ये देखो ये देखो, ये पूरा गंदा निकल रहा है। देखो ये देखो, आपको दिख रहा है गंदा, ये देखो, अगर जब मैंने उंगली घुमाई तो दिख रहा है इसमें, ये देखो गंदा। ऐसे नॉर्मली पानी मारने से ये जो है ना ये गंदा बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो ऊपर का डस्ट तो निकल रहा है पर वो गंदा नहीं जा रहा है। तो ये मुझे लगता है फोम जब स्प्रे मारेंगे मस्त अच्छे से कपड़ा मारेंगे तो बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाएगा। जब हम लॉन्ग टाइम अगर अच्छे से अगर क्लीन नहीं किया, कार अगर वॉश नहीं किया, तो इस तरह का जो ना पेंट में बिल्कुल चिपक जाता है अजीब सा काला काला गंदा, तो वही है लगता है वो। दोस्तों, मुझे और एक बात बोलना था, ये जो कार वॉशर मशीन है, आज मैंने ब्लोरेक्स का कार वॉशर मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के मशीन भी खरीद सकते हो साथ में। तो दोस्तों, फाइनली अभी कार को पानी मार के हो गया, अब हम इसको जल्दी से फोम स्प्रे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये देखो, ये है फोम कैन, आप कौन सा भी फोम कैन ले सकते हो। आज मैं MJ जैसी का फोम कैन यूज़ कर रहा हूँ और ब्लोरेक्स का कार वॉशर यूज़ कर रहा हूँ। इसका कैप निकाल देता हूँ और ये मैं इसको यूज़ करूँगा 100 ml। नीचे इधर मार्किंग लिखा हुआ है 100 ml, हुआ क्या? ओ सॉरी यार, 100 ml देखने के चक्कर में मेरा थोड़ा शैम्पू गिर गया, नुकसान हो गया मेरा। हाँ 100 ml थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा स्लाइटली डाल देता हूँ मैं, और बस अब हो गया 100 ml। शिट यार, नीचे तो काफ़ी गिर गया मेरा शैम्पू, लॉस हो गया है। वीडियो बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुझे। रुको 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 रुको, हाँ हाँ जाओ जाओ, इधर से जाओ। तो दोस्तों, मैंने 100 ml शैम्पू ले लिया, अब हम इसमें बाकी का फुल ऐसा पानी भर देंगे। ये देखो, ये मैं पानी लेकर आया हूँ और इसको ऐसा डालेंगे। थोड़ा अच्छे से हिला लेते हैं स्लोली, पानी भरते भरते। चलो इतना बस, थोड़ा सा खाली रहने दो, इतना चलेगा। चलो अब हम इसका कैप लगा लेते हैं, और ये जो क्विक कनेक्टर है ये हम सीधा ये गन पे लगाएंगे।
ये देखो ये जो गन है इसका हम आगे का नोजल निकालेंगे और इसको हम ऐसा लगाएंगे। थोड़ा हाथ थोड़ा स्लीपी हो गया मेरा, शैम्पू इधर गन के ऊपर ही गिरा था नीचे से गिनने के टाइम। 100 ml हुआ कितना, बॉटल ऐसे देखने के चक्कर में मेरा बॉटल ही गिर गया जो हो गया इधर। ओके ठीक है, अब हम इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे। यस ये कनेक्ट हो गया, अब हम देखेंगे फोम कैसा निकलता है। फॉक्सकेयर होम शैम्पू, होम ब्लास्टर शैम्पू, अब देखेंगे। वाओ बहुत सही बॉस, बहुत सही सही है सही है, कोई कंप्लेन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत ही मस्त है गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू। मेरे को तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है शैम्पू जब ऐसा होमिंग होता है ऐसा, तभी दोस्तों फोमिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर। देखो स्मूथली फोमिंग हो रहा है, मैं आपको कैमरा नज़दीक से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो स्लोली ऐसे गिर रहा है, यही तो चाहिए फोमिंग में। एक्चुअली फोम इतना गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है, अब इसमें 100 ml नहीं आगे, मुझे लगता है 50 ml भी यूज़ करोगे ना तो भी सही आएगा फोम ऐसा। ये देखो मैं नॉर्मली हमेशा 100 ml यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो 50 ml भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो कितना मस्त गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू। चलो पूरा कार को थोड़ा वो साइड भी मैं ऐसा अच्छे से स्प्रे कर लेता हूँ पहला। दोस्तों ये जो खूबसूरत नज़ारा है मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना खुशी मिलता है ऐसा फोम स्प्रे करके। देखो ज़बरदस्त फोमिंग। चलो अब मैं इसको जल्दी से अच्छे से कपड़ा मार लेता हूँ, बिल्कुल एकदम कार एकदम चकाचक कर लेता थोड़ा कपड़ा मार के। दोस्तों ये जो है ये देखो सॉफ्ट स्पून का माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये बहुत ही सही क्वालिटी का माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो आप चाहे तो ये वाला भी आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। बहुत ही सही चीज़ है ये भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ सॉफ्ट स्पून का। एक्चुअली अभी इंडिया में नंबर वन नहीं चल रहा है सॉफ्ट स्पून, मतलब अमेजोन पे बोलो या तो फ्लिपकार्ट पे बोलो, हर जगह पे जो ना ये भरा है, हर जगह पे एकदम फेमस है ये सॉफ्ट स्पून माइक्रोफाइबर क्लॉथ। तो मैं भी ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम से ही बस यही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। अजीब सा काला काला एकदम चिपक गया बॉडी में, थोड़ा घिसना पड़ेगा अच्छे से, मुझे कपड़ा अच्छे से मारना पड़ेगा। रुको रुको रुको, दोस्तों फुल कार में अभी कपड़ा मार के हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नोजल को निकाल देंगे और बाद में सीधा दूसरा जो गन का नोजल है वो लगाएंगे फोम के निकल के, और बाद में हम अच्छे से पानी मार देंगे, देखना फिर कार कैसा चमक गया। हाँ चलो ये क्विक कनेक्टर भी निकाल दिया, अब हम लगाएंगे इसको। मतलब 240 rupees में जो फुल पैकेज देता है ना लोग, ये जो फॉक्सकेयर वाले, ये मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा एक्चुअली। चलो शैम्पू मुझे लगता है 4-5 बार में अगर आपने 50 ml यूज़ किया तब तो ये काफ़ी टाइम जाएगा, मतलब 50 ml अगर यूज़ किया तो ना, नहीं तो नहीं 10 बार तो आप यूज़ कर सकते हो एक बोतल खरीद के मतलब शैम्पू। और रही बात पॉलिश का, तो पॉलिश तो आप मतलब बहुत टाइम यूज़ कर सकते हो। एक तो पॉलिश बहुत महंगा आता है और 1/2 liter पॉलिश दिया है लोगों ने, तो अच्छा बात है वो 240 rupees में और क्या देगा। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पानी मार लेते हैं। याद रखना दोस्तों आज मैं जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लोरेक्स का मशीन यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एक्चुअली मैं जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ वीडियो में वो हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।
वाह बिल्कुल एकदम चकाचक। ये देखो यहाँ पर कुछ ना स्क्रैच लगा हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में और कभी एकदम ऐसे ना ये जो स्क्रैच है ये रिमूव करके बताएंगे रबिंग कंपाउंड से। ये देखो यहाँ पर स्क्रैच लगा है, ये भी हम निकाल देंगे और दूसरा कभी वीडियो में। दोस्तों कार बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कार को थोड़ा कपड़ा मारेंगे। लेकिन अगर आपके पास अगर एक ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ है तो फिर आप कैसा कपड़ा मारोगे? जैसे कि हमने कार को कपड़ा मार लिया ऐसा अच्छे से, मतलब फोमिंग सिस्टम है ना शैम्पू के साथ अच्छे से कपड़ा मार लिया, अब वो कपड़ा तो गंदा हो गया होगा, अब वापस से कपड़ा से पोछोगे कैसा? तो उसके लिए सही तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखो ये है गंदा कपड़ा है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसा टायर पर रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो एकदम बिल्कुल चकाचक नया जैसा क्लीन हो जाएगा। ये टायर पे रखना है आपको, और कहीं रखना नहीं है, कहीं और दूसरा कहीं रखोगे तो वो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ऐसे टायर पे रख के ऐसा मारना है उसको। यहाँ पर मैंने प्रेशर मारा और यहाँ पर मैंने नहीं मारा, आपको डिफरेंस दिख रहा है? देखो कितना गंदा, यहाँ पर क्लीन हो गया है और यहाँ पर गंदा है। तो हम ऐसा इसको क्लीन करके वापस इसी कपड़े को हम वापस ऐसा फाइनली क्लीन करने के लिए उसको पोंछ सकते हैं। देखो देखो ऐसा इसको ऐसा मार दिया तो पूरा गंदा निकल रहा है। देखो मतलब ऐसा कभी करना, जब अगर आपके पास अगर एक ही कपड़ा हो तो ऐसा कर सकते हैं। ये देखो पूरा गंदा बाहर निकल रहा है। देखो ये देखो अभी एक साइड हो गया, उसको फिर से क्या करना है ऐसा पलट देना है। ये ऐसा है ना, इसको हम इसको ऐसा पलट देंगे और ये जो गंदा साइड है इसको ऐसा कर देंगे, उसके बाद हम फिर से थोड़ा इसको ऐसा कपड़ा मार लेंगे। ये देखो बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया, देखो कपड़ा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब उसको हम थोड़ा निचोड़ के बाद में फुल कपड़े को फुल कार को ऐसा अच्छे से कपड़ा मार लेंगे। दोस्तों जब कपड़ा मार के हो जाए उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये देखो ये है पॉलिश, ये जो फॉक्स कर का पॉलिश है, अब हम उसको अप्लाई करेंगे, बाद में देखेंगे इस पॉलिश में कितना दम है। शैम्पू तो बहुत सही था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इसने, कार बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया है। अब हम देखेंगे पॉलिश कैसा काम करता है इसका। तो दोस्तों कार तो बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया है, अब हम क्या करेंगे शैम्पू को खाली इसमें बोनट पे लगा के दिखाते हैं, क्योंकि वीडियोज़ नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, तो इस वजह से खाली मैं बोनट पे लगा के दिखाता हूँ ये शैम्पू किस तरह का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ये है शैम्पू और ये है स्पंज, साथ में दिया हुआ था ये लोगों ने, तो ये ढक्कन खोलता हूँ मैं। ये देखो मैं कैमरा नज़दीक और नज़दीक लेके आता हूँ। ओके हाँ, तो ये देखो ये ज़रा सा ऐसा लेंगे इसमें, ये देखो ऐसा, ये देखो ये वैक्स पॉलिश है हाँ, इसमें वैक्स कंटेंट लगा हुआ मुझे मालूम पड़ रहा है, ऐसा वैक्स का ही महक आ रहा है इसमें से। ओके तो अब इसको हम ऐसा अप्लाई करेंगे ऐसा ऐसा उसको अप्लाई करेंगे। फुल बोनट पे लगाएंगे और बाद में उसको फाइनल ऐसा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ऐसा थोड़ा मार देंगे, उसको फाइनल क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। अगर ये वैक्स जो होता है इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है, पेंट थोड़ा प्रोटेक्ट रहता है, वो इसका शाइनिंग जो है ना वो डल नहीं होता है। ये देखो ये मैंने बोनट पे फुल अप्लाई कर दिया है, अब हम इसको थोड़ा क्या करेंगे लास्ट में जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसको हम थोड़ा सा इसको मार देंगे और बिल्कुल एकदम चमक जाएगा। ये देखो ऐसा, अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ अगर स्लाइटली अगर वेट रहेगा गीला रहेगा हल्का सा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा मैंने पानी में पानी मार के अच्छे से थोड़ा इसे निचोड़ लिया, स्लाइटली गीला गीला है जैसा है ना, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है वो। ये देखो मस्त एकदम। वाओ
बेहतरीन काम हो गया, बहुत ही खूबसूरत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो चमक गया एकदम। दोस्तों ये देखो, ये मैंने पॉलिश लगा दिया, बिल्कुल एकदम चमक गया वो, मस्त है देखो। एक्चुअली जो पॉलिश है पेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्लाइटली जो सॉयल जो मार्क्स होता है वो भी निकल जाता है इसमें से। तो दोस्तों आपको अगर ये सब चीज़ें अगर खरीदना है, ये जो शैम्पू है, ये जो पॉलिश है, ये 2-in-1 है, 240 रुपये का कुछ तो मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से, है ना, आपको अगर ये सब चीज़ें खरीदना है या तो मशीन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ब्लोरेक्स का मशीन जो मैंने आज यूज़ किया था वो भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये जो प्रोडक्ट है, ये शैम्पू और ये जो पॉलिश आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।